नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं शिखा त्यागी। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस का बड़ा रेस्क्यू जारी। प्राकृतिक आपदा में अभी तक 202 लोगों के लापता होने की मिली सूचना। 20 शव भी हुए बरामद। जिला प्रशासन ने आपदा प्रभावित 13 गांव में हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचाई राशन, मेडिकल एवं रोजमर्रा की वस्तुएं। बीआरओ कर रहा बेली ब्रिज के निर्माण की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए कृषि कानून देश में छोटे और सीमांत किसानों के लिए विकास के नए द्वार खोलेंगे। उन्होंने जोर दिया कि एमएसपी रहेगी जारी और मंडियां बनेगी आधुनिक। और प्रदेश में आज लगभग 328 दिनों के बाद छठी से बारहवीं तक के स्कूल विधिवत रूप से खुले। छात्रों के चेहरे पर खिली मुस्कान। स्कूल प्रशासन ने एसओपी के तहत छात्रों को स्कूल में दिया प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। चमोली जिले के रैणी क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा के बाद अभी तक 202 लोगों के लापता होने की सूचना प्रशासन को प्राप्त हुई है। रेस्क्यू टीम को अलग अलग क्षेत्रों से 20 लोगों के शव बरामद हुए हैं। सेना, वायुसेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और अधिक टीमें स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर लगातार राहत और बचाव का कार्य कर रहे हैं। वहीं अब तक 25 लोगों को सकुशल बचाया गया है। प्रशासन को सूचना मिली है कि टनल में अभी भी 25 से 35 लोग फंसे हुए हैं, जिसके चलते प्रशासन ने तड़के 4 बजे से रेस्क्यू अभियान और तेज कर दिया। एनडीआरएफ के अनुसार 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग में बचाव अभियान चल रहा है। वहीं भारतीय वायुसेना के अनुसार देहरादून से जोशीमठ के लिए MI-17 और ALH हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी। बचाव और राहत मिशन में वायुसेना सहयोग कर रही है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार का कहना है कि चमोली हादसे में अभी तक लगभग 202 लोगों के लापता होने की सूचना है। वहीं 19 लोगों के शव अलग अलग स्थानों से बरामद किए गए हैं। स्थिति ये है कि जो नया अपडेट है कि इसका जो डेड बॉडी मिसिंग का नंबर था, डेड बॉडी का नंबर था, उसमें जो चेंज है कि अभी तक 18 डेड बॉडी हमने रिकवर कर ली है और कुल मिसिंग का नंबर 202 पे पहुंचा है। टनल की स्थिति ये है कि 180 मीटर के बाद एक बेंड है, तो उसमें हमने पूरा मलबा क्लियर करा लिया करीब 80 मीटर का। उसके आगे हमारी मशीनें लगी हुई हैं, जेसीबी वगैरह लगी हैं, तो हमें उम्मीद है कि शाम तक कुछ सफलता हासिल होनी चाहिए। चमोली जिले के हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने की घटना के बाद से प्रदेश सरकार इस घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जुटी हुई है। आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आईटीबीपी, सेना और आपदा प्रबंधन के अधिकारियों के साथ बैठक की। सरकार ने इसरो से भी इसको लेकर मदद मांगी थी। ऐसे में इसरो ने सैटेलाइट इमेज जारी की है। सरकार ने इसरो से अंतर्राष्ट्रीय चार्टर के तहत सैटेलाइट डेटा उपलब्ध कराने की मांग की थी। इसरो को अमेरिकन प्राइवेट सैटेलाइट कंपनी ने कुछ तस्वीरें दी है जिसमें चौंकाने वाली बात सामने आई है, जिससे साफ पता चलता है कि चमोली में धौली गंगा नदी के पहाड़ों पर पिछले एक हफ्ते से भारी बर्फबारी हुई थी, जिसके चलते पहाड़ों पर बड़ी संख्या में बर्फ जमा हो गई थी और जब 6 फरवरी को मौसम खुला तो बर्फ का एक बड़ा हिस्सा नीचे खिसक गया। अधिकारियों के साथ एक मीटिंग हुई जिसमें हमारे आर्मी और आईटीबीपी के भी अफसर थे, इसरो के हमारे साइंटिस्ट थे और इसरो आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए अधिकारी थे। जो इसरो ने जो हमको बताया है, इसरो के जो निदेशक हैं, उनका कहना था कि ये जो 2-3 दिन पहले जो बर्फ वहाँ पर गिरी थी, ये एक ट्रिगर पॉइंट से वहाँ से स्लाइड हुआ और उसके कारण ये लाखों मीट्रिक टन ये बर्फ एक साथ वहाँ से स्लाइड हुई, तो उसके कारण ये आपदा आई है। राज्य सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि से चमोली जिले में राहत कार्यों के लिए जिला प्रशासन को 20 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वहीं मुख्यमंत्री आज फिर आपदा प्रभावित क्षेत्र रैणी पहुंचे। आज रात वो चमोली जिले में ही प्रवास करेंगे।
चमोली जिले में आई प्राकृतिक आपदा में सड़क पुल बहने जाने के कारण नीति वैली के 13 गांवों से संपर्क टूट गया है। आपदा प्रभावितों के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने राशन की 1000 किट तैयार की है, जिसमें खाद्य सामग्री के साथ दैनिक उपभोग की चीजें रखी गई हैं। हेलीकॉप्टरों की मदद से प्रभावित क्षेत्रों में इसे वितरित किया गया। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि बीआरओ गांवों से संपर्क करने के लिए बेली ब्रिज के निर्माण की तैयारी कर रहा है। उन्होंने बताया कि जब तक यहां पर वैकल्पिक व्यवस्था या पुल तैयार नहीं हो जाता, तब तक हेली सेवा से यहां पर रसद सामग्री पहुंचाई जाती रहेगी। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि गांव के बीमार और गर्भवती महिलाओं को उपचार के लिए सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। मेडिकल टीमों को इन गांव में भेजा गया है। जो हमारे 13 गांव उधर पुल के दूसरे साइड में कट ऑफ है, उनके लिए भी एक हेली मेडिकल टीम को लेकर और राशन किट्स को लेकर भेज दी गई है। और वहां पे भी कुछ लोगों की यदि तबियत वगैरह खराब होती है तो उनको भी इमरजेंसी ऑपरेशन करके हेलीकॉप्टर से, उसमें भी बीआरओ से हम लोग संपर्क में हैं। वो भी अपनी वैली ब्रिज बनाने की तैयारी कर रहे हैं और जब तक ब्रिज नहीं बन जाता है तब तक हम उन्हें हेली ऑपरेशन के द्वारा सब कुछ वहां पे सभी सुख सुविधा मुहैया कराते हैं। वहां पे भी कुछ लोगों से बात हुई है, किसी की तबियत खराब है और उनको भी अभी जो हमारा हेली गया है उनको लेकर भी आएगा और उनको जिससे मेडिकल टीम भी वैसे मौके पर भेजी गई है, जिससे कि कोई अगर छोटी मोटी दिक्कतें हैं तो वो वहीं पे उनका उपचार किया जाए। वहीं प्राकृतिक आपदा के बाद घटनास्थल का जायजा लेने के लिए आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह, सांसद तीरथ सिंह रावत, जिला प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत और स्थानीय विधायक पहुंचे। प्रशासन से उन्होंने जानमाल की हुई क्षति और रेस्क्यू अभियान की जानकारी ली। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि यहां पर फंसे लोगों को रेस्क्यू करना सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि नीचे पूरा का पूरा गाद जमा हुआ है और उसको बाहर निकालना और फिर आगे 50-100 मीटर पर हर जगह जो है फिर पूरा का पूरा ब्लॉक आ रहा है, तो उसको निकाल करके 100-150 मीटर और आगे जाएंगे तो मुझे भरोसा है कि जो 34 लोग हैं उनको भी हम जिंदा बाहर निकाल सकेंगे। वहीं गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत और प्रभारी मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवारों को ढांढस बंधाते हुए हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा दिलाया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि यहां पर जिंदगियों को बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं प्राकृतिक आपदा के कारण मृत और लापता लोगों के शोक में आज जोशीमठ का पूरा बाजार बंद रहा। भी लोकल लोग इनका ध्यान हो चुका है, उसके उसमें पूरा जोशीमठ मार्केट बंद है, क्योंकि हमारे गढ़वाली लड़के लोग वहाँ हैं, इसलिए पूरा मार्केट उनके शोक समारोह में बंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए कृषि कानून देश में छोटे और सीमांत किसानों के लिए विकास के नए द्वार खोलेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का आज राज्यसभा में जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों का लक्ष्य 12 करोड़ से अधिक लघु और सीमांत किसानों की आकांक्षाओं को पूरा करना है। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कई सुधारों और योजनाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार गरीबों और किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नए कृषि कानूनों को वापस लेने की विपक्ष की मांग पर प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि रुकावटों से विकास हासिल करने में कभी भी मदद नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि कई राज्य सरकारें पहले ही इस तरह के कृषि सुधारों को लागू कर चुकी हैं। पक्ष हो, विपक्ष हो, आंदोलनरत साथी हो, इन सुधारों को हमने मौका देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है कि नहीं होता है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी, इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा।
प्रदेश में आज लगभग 328 दिनों के बाद छठी से बारहवीं तक के स्कूल विधिवत रूप से खुल गए हैं। अभिभावकों की लिखित अनुमति के साथ स्कूल पहुंचे छात्रों ने लंबे समय के बाद स्कूल में पढ़ाई की। देहरादून में फूलचंद नारी शिल्प मंदिर गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य मंजू रावत ने बताया कि उनके विद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर छात्राएं बड़ी संख्या में अध्ययन कर रही हैं। ऐसे में उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई में दिक्कतें आ रही थी। अब सरकार की गाइडलाइन के तहत 6 से 12वीं तक की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। विद्यालय में हमने पूर्ण रूप से सैनिटाइज कराकर छात्राओं को अंदर बुलाया है। जो छात्राएं अपने अभिभावकों द्वारा संस्तुति पत्र नहीं लाई हैं, उन सभी छात्राओं को घर वापस भेज दिया गया है और पुनः कल आने के लिए कहा गया है। हमारे विद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर भी कई छात्राएं हैं जिनके पास की मोबाइल के सुविधा नहीं है। बच्चों को हम पढ़ाएंगे, उनकी समस्याओं का निदान करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी सभी छात्राएं सर्वोच्च अंक प्राप्त करके विद्यालय से उत्तीर्ण हों। पिछले साल 16 मार्च से कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य में शैक्षिक संस्थान पूरी तरह बंद कर दिए गए थे। हालांकि कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाओं को सरकार ने पिछले साल 2 नवम्बर वही लंबे समय के बाद स्कूल पहुंची छात्राओं की खुशी भी नजर आई और उन्होंने बताया कि छात्राएं ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रही थी। अभी विधिवत रूप से पढ़ाई चालू होने से उन्हें राहत मिल रही है। मैं क्लास 9 से हूं और मुझे स्कूल आके बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम ऑफलाइन भी पढ़ाई करते थे पर हमारी क्लियर नहीं हो पाते थे डाउट, जैसे कि मैं हमें सामने पढ़ाती है, बोर्ड में समझाती है, बहुत अच्छा क्लियर भी होता है और हम पहले भी पढ़ रहे थे, हमें बहुत अच्छा समझ में भी आता था, पर हमें ऑनलाइन इतना अच्छा खासा समझ में नहीं आ पाता क्योंकि हम। गौरतलब है कि वर्तमान में प्रदेश में जूनियर और माध्यमिक सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की संख्या 9,401 है। इन स्कूलों में लगभग 14 लाख छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने प्रदेश भर में खुलने वाले अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को लेकर गढ़वाल मंडल के प्रधानाचार्यों और जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अटल उत्कृष्ट विद्यालय के लिए चयनित विद्यालयों और उनमें उपलब्ध संसाधनों को लेकर चर्चा की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रत्येक विकास खंड में 2 अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोलने जा रही है। पूरे प्रदेश में 190 ऐसे विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि अटल उत्कृष्ट विद्यालय आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ कर दिए जाएं। जिन स्कूलों को हमने अटल उत्कृष्ट विद्यालय के नाम पर चयन किया है, प्रत्यक्ष उनकी सीधी उनकी बैठक थी और बैठक में हमें तत्काल CBSE बोर्ड से उसकी मान्यता लेनी है, तो मानकों में कोई कमी ना आए। हमारी कोशिश है कि जो नया सत्र आएगा उसमें अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई प्रारंभ हो। प्रदेश में आज से COVID-19 ड्यूटी में तैनात फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी जिलों में फ्रंट लाइन वर्कर्स को उनके विभागों के कार्यालय परिसर में टीका लगाने का इंतजाम किया गया है। प्रदेश में पहले चरण में 87,588 स्वास्थ्य कर्मियों में से 74,407 को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ कुलदीप मर्तोलिया ने बताया कि 13 जिलों में 73,535 फ्रंट लाइन वर्कर्स का डेटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। देहरादून और हरिद्वार में फ्रंट लाइन वर्कर्स की संख्या सबसे अधिक है। वहीं प्रदेश में आज 4,676 स्वास्थ्य कर्मियों का वैक्सीनेशन किया गया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश के 100 केंद्रों में वैक्सीनेशन का कार्य किया गया। अब तक 79,083 कर्मियों का टीकाकरण किया जा चुका है। वहीं आज प्रदेश में कोरोना के 43 नए मामले सामने आए। अब एक्टिव केसेस की संख्या 808 हो गई है। आज कोरोना से 3 लोगों की मृत्यु हुई। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए और चालकों को बेहतर प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से हरिद्वार में अत्याधुनिक ड्राइविंग ट्रैक बनाया जा रहा है। इसके लिए ड्राइविंग की दक्षता में उत्तीर्ण होने पर ही ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा। उपसभागीय परिवहन अधिकारी मनीष तिवारी ने बताया कि हरिद्वार में अब नई तकनीक के तहत मशीनों और कंप्यूटर पर आधारित एक ऑटोमेटिक ट्रैक तैयार किया जा रहा है जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले प्रशिक्षु चालक सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे। ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक है तो ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक में
एक ट्रैक बनाया गया है जिसमें कि चालक की परीक्षण क्षमता जो है वो अलग अलग स्टैंडर्ड्स पे टेस्ट करेंगे, जिसमें कि उनकी पैरेलल पार्किंग, रिवर्स पार्किंग, एट बनाना और ग्रेडियंट पे चढ़ना उतारना, ये ऑटोमेटेड लेवल पे होगा, ये पूरा मैकेनाइज्ड होगा, इसमें कैमरे, सेंसर और मशीन बेस्ड होगा। तो इसमें जो चालक उसको तय समय में उसको पास करेगा उसी को ही लाइसेंस मिल पाएगा। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस का बड़ा रेस्क्यू जारी। प्राकृतिक आपदा में अभी तक 202 लोगों के लापता होने की सूचना, 20 शव भी हुए बरामद। जिला प्रशासन ने आपदा प्रभावित 13 गांव में हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचाई राशन, मेडिकल एवं रोजमर्रा की वस्तुएं। बीआरओ कर रहा बेली ब्रिज के निर्माण की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए कृषि कानून देश में छोटे और सीमांत किसानों के लिए विकास के नए द्वार खोलेंगे। उन्होंने जोर दिया कि एमएसपी रहेगी जारी और मंडियां बनेंगी आधुनिक। और प्रदेश में आज लगभग 328 दिनों के बाद छठी से बारहवीं तक के स्कूल विधिवत रूप से खुले। छात्रों के चेहरे पर खिली मुस्कान। स्कूल प्रशासन ने एसओपी के तहत छात्रों को स्कूल में दिया प्रवेश। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DDNews उत्तराखंड और हमारी यूट्यूब चैनल DDNews उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें, साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।